मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मोजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मोजू जो है ये दुनिया का वाहद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी हो तो मोदी साहब उन्होंने खींच के जफी पा लेते हैं। चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है सबसे, बल्कि हंस इन पे नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात ही। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफी तलाफी भी करते हैं। इसकी वजह ये है कि इंडिया की एक न्यूसेंस वैल्यू है, उनकी एक इज्जत है खित्ते के अंदर, उनकी मतलब बात सुनी जाती है, उनकी बात की वैल्यू है। इंडिया इस वक्त 3rd largest इकोनॉमी है। मालदीव की कहानी सबके सामने है, बड़ी तूतू मैमा इंडिया के साथ करता रहा, आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। अब इन लोगों की वजह से ये वो लोग हैं जिनको पे किया जाता है, जिनको जो है वो कीमतें दी जाती हैं, इनका कोई दीन मजहब या मुल्क नहीं होता। नरेंद्र मोदी का किसी को जफी ना डालना मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिपोर्ट की जा रही है, डिस्कस की जा रही है, और वह है मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू का भारत दौरा, जिसमें कि मोहम्मद मोइजू ऑलरेडी भारत के अंदर अपने 5 दिवसीय दौरे पे पहुंच चुके हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्कस कर रहा है कि वही मालदीव्स का प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू जो कुछ महीने पहले ही भारत के खिलाफ अनसंट बयान दे जा रहा था, और यहाँ तक कि मालदीव्स के कुछ मंत्रियों की तरफ से तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट भी किए गए थे। उसके बावजूद उस समय भी भारत की तरफ से, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से बड़े ही काम और पॉलिटिकली शालीनता भरे लैंग्वेज में मालदीव को रिप्लाई किया गया था, जवाब दिया गया था। लेकिन वहीं पर बात करें भारतीय पब्लिक की तरफ से तो भारतीय पब्लिक ने जम करके मालदीव की क्लास ली थी, और यहाँ तक कि बॉयकॉट मालदीव का भी काफ़ी बड़ा मूवमेंट चला था भारतीय पब्लिक की तरफ से। लेकिन अब इस समय मालदीव प्रेसिडेंट मोइजू भारत पहुंच चुके हैं और अब बयान दे रहे हैं कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं, जिसको पाकिस्तानी मीडिया भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा है। प्रेसिडेंट मोइजू ऑफ मालदीव्स, एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया, और सोने पे सुहागा कि भाईजान मोदी साहब ने जफी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मोजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मोजू जो है ये दुनिया का वाहद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी हो तो मोदी साहब उन्होंने खींच के जफी पा लेते हैं, ठीक है। और अब ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन चलाई मोदी साहब ने, अब वो आ गए। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे की सारी जो चीज़ कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब का मॉडल है कि मोदी को करीब लेके आओ, ठीक है जी। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो एक दिन रात ही आए, 5 दिन का स्टेट विजिट, 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? ये जो इंडिया चाइना कॉम्पिटिशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे, फ्री राइड, फ्री एवरीथिंग ऑन समवन्स एक्सपेंस, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दियो पैसे, खैर देखी जाएगी। सो मोदी साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाडा मुंह बना के बैठे ने, मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है। जब डॉक्टर जयशंकर 2-3 महीने पहले गए थे, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारा कुछ कर दिया, अब जरा इसको बुलाएं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप थपकी दें इसको,
इन स्टेट इन गेस्ट बुलाते हैं, उसको थोड़ा बताते हैं कि भैया हम तुम्हें वैल्यू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आ जाओ तुम आके थोड़ा सा उसको महसूस करा दो और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब जारी बात है वो कहाँ बातें गई रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहाँ बातें गई, मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये है वो, अब वो सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है जी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का किसी को जफी ना डालना, हग ना करना, गले ना लगाना, इस चीज़ के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं, मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं जो तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी, बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, आई वांट टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते। दूसरी बात ये भी है कि जो जयशंकर करना चाहते हैं, क्या मौजू उस तरह रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब ने मॉडल बनाया है, पहले आप डिप्लोमेसी, लव, मोहब्बत, प्यार ना हो तो फिर हम कोर्जन पे आ जाएंगे, लेकिन पहले हमें कोर्जन पे नहीं जाना चाहिए, पहले हमें प्यार मोहब्बत करना चाहिए, और इसीलिए ये प्यार मोहब्बत का मॉडल उन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया है। हेलो फ्रेंड, मैं उशायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर पर। अब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिल के इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ी की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ कल इनकी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफी तलाफी भी करते हैं। इस टाइम जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और है। उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की नस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है, और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए बेहतर। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दे, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो, आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं। मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बातें बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफी शाफी करेगा, माफी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकॉनमी भी बेहतर होगी जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा।